आज भी महिलाओं की जो दशा है वह समाज के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, वरन सभी को सहभागिता करनी होगी, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाना होगा, भेदभाव को समाप्त करना होगा। आज भी कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि महिलाओं को हम दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, लेकिन प्राचीन काल से ऐसी स्थिति नहीं थी। यस्त्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और भारतीय संस्कृति में हमेशा नारी को महत्व दिया गया है। और वर्तमान में इस समय नवरात्र व्रत चल रहा है, सिर्फ एक दिन 9 दिन हम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जब भी हम अपने देवताओं का नाम लेते हैं तो राम के पहले सीता का नाम आता है सीताराम, कृष्ण के पहले राधा का नाम आता है राधा कृष्ण राधे कृष्ण। ये इस बात का प्रतीक है, यदि हमको आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो जीवन के जो दो पहिए हैं, रथ के जो दो पहिए हैं, दोनों में हमको समान व्यवहार करना होगा, अनुकूल व्यवहार करना होगा। लेकिन कष्ट भी होता है, सिर्फ यह भारत की बात नहीं है, विश्व स्तर पर जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं, जो पुरस्कार राशि दी जाती है, उसमें भी भेदभाव होता है। चाहे लॉन टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, सभी में यह परिवर्तन तब हो सकता है जब आप शिक्षित लोग, जो शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हो, आगे आए, अपने मन के अंदर अपने जो भाव हैं परिवर्तन करें और चिंतन में परिवर्तन करें, तो निश्चित रूप से सभी को सफलता मिलेगी और परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक भाव संपूर्ण जगत का भाव हो जाएगा। और इसी भावना के साथ इस सेमिनार की सफलता है। इस सेमिनार में विभिन्न प्रदेशों, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, झारखंड और इसके साथ ही साथ हमारा जो हरियाणा प्रदेश है, वहाँ से भी शोधार्थी और कुछ शिक्षक आए हुए हैं, जिन्होंने अपने पेपर पढ़े हैं। कुछ यहाँ पर सेशन चल रहा है, कुछ उधर दूसरे कक्ष में भी सेशन चल रहा है। और कोशिश है इस सेमिनार से जो भी संदेश आप लेकर जाएं, उसे आने वाले दिनों में संपूर्ण जगत में प्रचारित और प्रसारित करें। सभी को धन्यवाद।